आए हैं ये जी। हीमैन यू आर ऑन म्यूट। गाइस मैं दो चार कॉल और लूंगी फिर मुझको निकलना है, आज मैं 4 घंटे का शो नहीं कर रही हूँ। हीमैन हेलो। हाँ मैडम, थैंक जी यू। क्या हाल है आपका? लव यू मैडम। जी बोलिए। आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। थैंक यू। मेरा मेकअप आज देखो कितना डरावना मेकअप किया है मैंने आज। आज मैंने रिवर्स कैट आईज किए हैं, रिवर्स ऊपर के बजाय नीचे लगाया है। मैंने देखा था एक टिकटॉक पे देखा था तो मैंने कहा कि मैं ऐसे यू नो। जी बोलिए एक बोलिए। बात बता, ये हम लोग लड़ क्यों रहे हैं मैडम? कौन लड़ रहा है? ये मोमिन से, हिंदू से, क्यों हम लोग क्यों लड़ते, क्यों हम लोग दिन हम में? दोनों नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब ओवरऑल में ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? कौन लड़ रहा है? देखिए हिंदू मुसलमानों से लड़ रहे हैं, मुसलमान हिंदू से लड़ रहे हैं, हम एथियस तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हम तो देख रहे हैं भैया, रिलीजन के नाम पे तुम लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मारे जा रहे हो। वो उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारे डोंकी के पास वो इलेक्ट्रिक वो थी, वो कहते हैं नहीं हमारे मंकी के पास इलेक्ट्रिक ही जात थी, पहले हमने वो कर दिया था। वो कहते हैं तुम्हारे मुल्क में ज्यादा औरतों को वो कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं तुम्हारे मुल्क में ज्यादा होते हैं। हम तो बैठ के तमाशा देखते हैं, हम तो कहते हैं तुम लोग सभी एक जैसे हो। हम तो नहीं हाँ, लड़ाई कर ये रहे हैं, बात हम तो नहीं, ऑब्जर्व अभी कर रहे हैं। गुलजार भाई, अब थोड़ा सा लड़ाई हो रहा था उनके साथ, अभी जो आए थे नहीं लड़ाई नहीं पिछला हो रही कॉलर। थी। देखें जब आप लड़ाई इन द मीन्स, लड़ाई इन द मीन्स की मतलब थोड़ा बातों डिबेट में वो हो रही, डिबेट डिबेट थोड़ी, हो रही होती, डिबेट। हाँ लड़ाई नहीं थी। हाँ तो अच्छा, एक बात बताइए मैडम, हम लोग थोड़ा कॉस्मोस के बारे में, जैसे गालिब भाई उनका दो चार स्ट्रीम था, बहुत अच्छा करते थे, आजकल नहीं पता क्यों नहीं कर रहे वो। और प्लीज उनसे मिलेगा तो इनको बोलिएगा वो कॉस्मोस वाला जो नथिंग टू एवरीथिंग, और एक और था उनका एक गुप्त, क्या गालिब गुप्तगु ऐसा करके पिछले साल चल रहा था उनका, उनको बोलिएगा मैडम वैसा वो उस टाइप वाला स्ट्रीम किए करें। और दूसरे एक और अच्छा मैडम आपको और बता रहा हूँ, ये जी हमारे यहाँ ना मैडम बहुत ज्यादा कचरा हो चुका है आजकल। वो पिछले बार मैं आपको देखा था जब वो रो रहे थे ना सब, जब आपने आके बताया था, याद है आपको? कौन रो रहा था? वो नहीं, एक तो मैडम रो रही थी जिसके पर कोई 10,000 1,000 का ओ कितना अच्छा अच्छा हो। अच्छा जी हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा किया वो। मेरे को आपको देख के तो मेरा दिल खुश हो गया था। अच्छा। वैसे लोगों को मैडम हमेशा थोड़ा सा किया करो, बड़ा मजा आया है लेकिन उस हाँ दिन नहीं मैंने आपको थोड़ा देख के आज पेला है चंद लोगों को, और रोते ही रहते और हैं, पिला उनका कर। और कोई काम ही नहीं है रोने धोने के अलावा। दैट्स द बेस्ट वे। वैसे बोलते हैं कि देखो लेफ्ट वाले सारे विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं, और सारे विक्टिम कार्ड इनकी पॉकेट में होते हैं, सारे विक्टिम कार्ड इन्होंने ही खेल रहे होते हैं, मगर क्या किया जाए यू नो। अच्छा ये सुपर चैट आई है मालीज मैम, आप ऐसे मेकअप करोगी तो पक्का आपसे प्यार हो जाएगा। थैंक यू डॉलर किंग। मतलब कि मैं मेकअप के हाँ बगैर प्यार नहीं होता आपको मेरी नेचुरल ब्यूटी नहीं, से? लेकिन हाँ आप थोड़ा सा खतरनाक दिख रहे हैं अभी। ये खतरनाक मेकअप किया है ना, काली काली हाँ माँ वाला मेकअप किया है थोड़ा खतरनाक दिख रहा है मैडम, कैरेक्टर में आ गई हूँ मैं, थोड़ा सा प्लीज कैरेक्टर में प्लीज मत कीजिए। और वो आपका जी वो मैं ड्रामा भी देखा था मैडम, वो आपका मैं सर्च कर रहा था, वो पाकिस्तानी ड्रामा था ना जिसमें जी एक बच्ची को आप छोड़ रहे थे, याद है आपको? और बड़ा रो रहे थे, वो मासूमियत कहाँ गया आपका? वो मासूमियत वो एक्टिंग थी भाई। शैतान तो अरे उस नहीं मासूमियत के पीछे था। शैतान तो हमेशा से था उस मासूम चेहरे के पीछे, मगर शैतान नहीं था। लाइक आई हैव ऑलवेज बीन माय सेल्फ। मैं तो हमेशा से, आपने अगर दूसरे शोज भी देखे होंगे तो बहुत सारी बातें जैसे नहीं हिपोक्रेसी मैडम, हो गई लेकिन और इन लेकिन चीजों में पहले भी बात लेकिन करती थी जी। सॉरी सॉरी मैडम, आप बहुत मासूम लगते थे पहले, लगती थी, अब नहीं लगती, अब मैं बड़ी हो आप गई हूँ थोड़ा ना, सा बच्ची आप थी। खतरनाक लग रहे वो भाई बंदा सीख जाता है ना आपके साथ, जब एक दफा कुछ हो, दूसरी दफा कुछ हो, तीसरी दफा कुछ हो। अब मैं 10 साल से ही मोमिनों की गालियां खा खा के मैंने कहा बस छोड़ो। तो यू छोड़ो नो मैडम, ये कोई मतलब नहीं, क्या है इनके इनके साथ लड़ना? अब देख तो ले मैं थोड़ी कितने लड़ती दिमाग हूँ, वाले। मैं कौन सा लड़ती हूँ, मगर मैं ये है कि मैं अब किसी को अपने, पहले मैं इग्नोर कर देती थी। हमें यही सिखाया जाता है ना, कुछ आगे से कोई बोले बंदा तो इग्नोर कर दो। अब मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, अब मैं उनको वैसे ही जवाब देती हूँ। अगर वो वहां से जूता मारते हैं तो मैं चप्पल भिगो कर फिर मारती हूँ उनको डबल। तो बस आई थिंक सारी औरतों को, लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, हमें इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत इग्नोर कर लिया यू नो, तो दैट्स ऑल।
नहीं, 10 साल नहीं मैडम, लेकिन बड़ा खतरनाक, मैं आपको देख ही रहा हूँ बस, क्या दिख रही हो आप गुलजार, इनका दिल अभी जो है ना थोड़ा फिसल रहा है, आप ना मेरे ओनली फैंस पे ज्वाइन कीजिए। अब चले हिमांश गुलजार है? जी। अच्छा 1 सेकंड, गुलजार है क्या अभी? जी जी सर, हाँ क्या जी, हाल चाल गुलजार है जी हैं आपके? यहाँ जी पर। गुलजार सर, हिमांश नमस्कार। नमस्कार सर थोड़ा सा बोलने दिया करो लोगों को, और आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो राय है उसको हम बिल्कुल देख रहे हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ना इंटरप्ट करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि फिर बंदा सामने वाला मुकर जाता है, कहता है मैंने तो बोला ही नहीं था, या फिर ऐसा भी नहीं नहीं होता नहीं है सर कि सर मैं भूल जाता हूँ। सर कभी कभी नहीं नहीं सर अभी सर ये मैं जो आपको आए थे बता रहा हूँ, यूनिवर्सल मैं ट्रूथ, इन्होंने मुझे कोई 25 दफा टोका और फिर भी मुझे कोई ऐसा गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन बात पूरी करने नहीं दे रहे थे वो। ही गुस्सा इंटरप्टेड मी 25 टाइम्स। नहीं आ रहा था मगर बस फ्रस्ट्रेशन, और वेयर दो मैं सर फ्रस्ट्रेशन एक शो एक जाती एक है। बार भी टोक नहीं रहा हूँ। देखिए आप, आपने बोला मैं टोका नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा था सर, जैसे जब अच्छी हम लोग क्या ना सर, मैं ये पहली बार आया हूँ स्ट्रीम में बात करने के लिए, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ हम लोग। जी जी और मैडम मैं आपको बता जी रहा हूँ, गुलजार साहब मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ना साइलेंट सपोर्टर हैं, हम लोग जी जी बहुत शुक्रिया। ध्यान रखिएगा, हम लोग साइलेंट सपोर्टर है सर, हम लोग नहीं आते बात करने के लिए। वो तो मैं, आप मेरा वो देख लो, आप डीपी देख लो, हम लोग मतलब आम आदमी है सर, हम लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपकी अच्छी बातों को हमेशा सपोर्ट करेंगे मैडम, आपकी बात को हमेशा सपोर्ट करते हैं, कितनी ओए होए, तुम भी लोग ये बात कर हो रहे जाए हो, कुछ भी हो जाए। ये क्या वीडियो आई है यहाँ पर, ओ माय गॉड, कोई फौज के जवान गुलजार गुलजार से। सर, जी भाईजान, मैं बस आपसे बस एक ही बात, मेरे हम दोनों की उम्र थोड़ी सेम हो गई है अभी, जी लगभग लगभग हो सकता हमारी उम्र सेम हो गई। आप 35 साल के हैं। ए नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे बड़ा हूँ लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ सर, बोलना मतलब वो है, सोना है तो मतलब बोलना चांदी है तो सुनना सोना होता है सर, आप टोकते बहुत ज्यादा है सर। सर बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, यू आर राइट, एवरीबडी कैन लर्न समथिंग, के जाहिर सी बात है हाँ शायद, हाँ मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात आप जो बोलते हैं ना सर, एकदम बहुत अच्छा बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर थोड़ा सुनने के भी शक्ति होनी चाहिए सर। 100% आपकी बात सही है, चलिए बिल्कुल हिमन जी मैं आगे चलती हूँ, मुझे निकलना है थोड़ी देर में, तो थैंक यू शुक्रिया। सो मच, आप इसी तरह से हमारे सपोर्ट करती जाइए, आपका प्यार हमें बहुत अच्छा और लगता है, मैडम आई ऑलवेज मैं साइलेंट सपोर्टर हूँ मैडम, हमेशा हमेशा कभी भी कुछ रहो, मैं साइलेंट सपोर्टर हूँ आपका। कहीं वो तो मैं आज वो थोड़ा सा मन खराब हो रहा था तो आके बोलना पड़ा, नहीं तो मैं सुनता बस रहता हूँ। अच्छा चले, नहीं आप जी आया जी करें जरूर, थैंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, थैंक यू सो मच, यू मैडम। बाय।